अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुइज़ आज गया हुआ एकेडमी, मुइज़ के पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसी भी बने तो प्लीज़ अच्छा रिस्पांस देना। आज मैं आप लोगों के साथ आज ना आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त शोरबे वाला, वो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ऑयल मैंने रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए, मतलब जितना हम अपने अपने खाने में ऑयल डालते हैं वो ही है तरीका। तो ऑयल मैंने रख दिया, अब गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी, दो अदद मैंने प्याज काटे हैं वो डाल दूंगी इसके अंदर। प्याज तो एक हाथ के साथ मैं काम कर रही हूँ, एक हाथ के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। प्याज ज़रा फ्राई होता है फिर मैं दिखाती हूँ। फिर मैं डालूंगी इसमें गोश्त, गोश्त को करूँगी ज़रा फ्राई, फिर मैं बताया जा बताती हूँ। अच्छा जी, प्याज मेरा हो गया है कुछ इस तरह, यानी कि सॉफ्ट हो गया, ब्राउन नहीं हुआ। अब मैं इसमें डालूँगी ये मैंने मटन धो के, यानी कि ये देखें जी, मैंने अपना गोश्त इस तरह बॉईल करके रख लिया है। छोटे छोटे पीसीज मैंने करके, ये देखें जी, कुछ हड्डी वाला कुछ गोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। अच्छा, बॉयल करके मैंने रख लिया। बॉयल करके इसका पानी उतार देना, इसलिए कि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना वो सारी निकल जाती है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा जी, इस तरह मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। गोश्त जी इस तरह मेरा फ्राई हो गया है, थोड़ा सी कसर बस इसमें रह गई है। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच भर के पेस्ट। अच्छा जी, ये मैंने दो अदद काट लिए हैं टमाटर, साथ मैंने चार पांच मिर्चें काट ली हैं इस तरह लंबी लंबी। ये देखें इसमें सही है, मुझे लगा बीज का है। तो ये लिए मैंने दो अदद बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये मैंने लिए हैं तीन छोटे छोटे आलू। ये है मेरे मसाला, सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी, सॉरी सूखा धनिया, गर्म मसाला। ये मैं मसाले इसमें ऐड करूंगी, पेस्ट मैंने डाल दी है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो गया। अच्छा, मैंने बना इस तरह भी बना लेती हूँ, मैं दूसरी तरह भी बना लेती हूँ, गोश्त डाल के बीच सारा कुछ डाल के प्रेशर लगा देना। वो मैंने सिरके से आज धोना भूल गई थी, बच्चों ने नहीं खाना था, इसलिए फिर मैंने ये वाला भी तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर उस तरह ना बना सके, सिरका लाना पसंद ना करें, तो इस तरह फ्राई कर लिया करें, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो रहा है इसका। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने दालचीनी और इलायची बड़ी निकाली थी दो, वो डाल दूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो बाकी की वो भी चली जाए। ये देखेंगे, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मतलब टमाटर, सब्ज मिर्चें। बड़ा मज़े का बनता है आलू गोश्त। साथ ही मैं सारे मसाले डाल दूंगी, ये देखेंगी जब प्रेशर लगेगा ये गल जाएगा खुद सारा कुछ। चलिए मैं ज़रा मिक्स कर लूँ फिर दिखाती हूँ तब तक अल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मेरा गोश्त बड़ा ही अच्छा ब्राउन कलर की शेड दे रहा है, रेड रेड फ्राई हो गया माशाल्लाह। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये एक अदद गिलास पानी, बिस्मिल्लाह, और इसको मैं 5 या 6 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर दूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, प्रेशर से मैंने गोश्त निकाल लिया और मैंने कढ़ाई में डाल दिया, ताकि मैंने कहा ज़रा अच्छी तरह नज़र आ जाए वीडियो में। तो माशाल्लाह मेरा गोश्त बहुत अच्छा सोना, बहुत अच्छी तरह ना मतलब गल गया है। अब मैं इसमें डालूँगी आलू, ये देखें जी आलू, इसमें आलू देखें मैंने कितने बड़े बड़े काटे हैं, ये देखें आलू बड़े बड़े काट लें, क्योंकि हमारे घर में तो आलू माशाल्लाह बड़े पसंद हैं सबको, सिवाय मेरे मियाँ के, वो आलू कम खाते हैं। अच्छा, आज की वीडियो हिले हुले तो भाई माजरत, क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई में इसी लिए डाला है भी आप लोगों को नज़र आई। ये मैं निकाल लूँगी ये जो दालचीनी इलायची है, क्योंकि ये बच्चों से मैं छुपा के डालती हूँ और मैं निकाल लेती। ये देखे जी दूसरी भी मिल गई, ये देखे गोश्त बहुत अच्छा गल गया है।
अच्छा एक दालचीनी थी, दो इलायची के पीस थे, मैं तीनों ही मुझे मिल गए हैं, मैंने निकाल लिए। तो आलू मैंने डाल दिए हैं, अब मेरा ये आलू गोश्त बन रहा है, तो इसमें मैं अब डाल दूंगी पानी ताकि ये आलू गल जाए, गोश्त अच्छी तरह गल गया। प्रेशर मैंने लगाया था और मैंने मतलब उसका मुंह ज़रा छोटा होता है प्रेशर का, तो वीडियो ज़रा मेरे से कम बन नहीं रही थी, मोइस गर नहीं था, इसलिए फिर मैंने कढ़ाई में डाल लिया। मैंने कहा ज़रा खुला बर्तन है, वीडियो ज़रा अच्छी तरह बन जाएगी और आप लोगों को नज़र आ जाएगा। चले मैं पानी डाल लूँ, मेरा हाथ एक है, पानी मैंने डाल लिया। ये देखें जी आलू गलने हैं, अभी आलू डाले हैं, इसी पानी में आलू गल जाएंगे और मैंने जितना शोरबा रखना है मैं रख लूँगी बकाया, मैं मतलब फाइनल लुक अब आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी ये देखें माशाल्लाह पक रहा है, हल्की मतलब फुल आंच पे नहीं मैंने रखा हुआ, नॉर्मल आंच पे मैंने रख दिया, आस्ता आस्ता ये गल जाएगा और गोश्त तो गला हुआ है ऑलरेडी, आलू गल जाएंगे और शोरबा कम हो जाएगा, फिर मैं तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखें जी मेरा आलू गोश्त हो गया तैयार माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लग रहा है कलर, हर चीज़ खाना जो भी बनाएं उसकी शक्ल अच्छी हो तो खाने को भी दिल करता है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी तो मसाले और, अच्छा जी अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, गरम मसाला, जी मेरा जी आलू गोश्त हो गया तैयार। अच्छा जी ये देखें जी माशाल्लाह मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब मैं डिश आउट करती हूँ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए जी बहुत, ये मैं डाल रही हूँ अब इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए, ये देखें जी मैंने ज़्यादा शोरबा पतला नहीं रखा, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ऊपर धनिया, ये देखें जी थोड़ा सा मैंने डाल दिया जी ऊपर धनिया, कुछ मैंने डाल दिया कढ़ाई में, ये है मेरी फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा जी कैसा बना, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह ये है मेरा आलू गोश्त हो गया तैयार, आप लोग भी बना के खाइएगा बड़ा मज़े का बनता है। ये देखे अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, मैं हूँ मदरशद। तो गाइस मामा ने वीडियो आज बना ली थी मेरे आने से पहले, मैं एकेडमी गया हुआ था क्योंकि मेरे पेपर शुरू हो गए, तो मैं 9 बजे आया हूँ, तो मामा ने कहा आया तो चलो एंड कर लेते हैं, तो मैंने कहा चले मैं कर लेता हूँ एंड। तो अभी आया तो खाना खाने लगा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या है। ये मम्मा ने रोटी बनाई है, इसके साथ गोश्त है, तो हमारे इस गोश्त की रेसिपी शेयर किया, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे पेपर अच्छे हो जाएं। मेरे पेपर कल से शुरू हैं, तो मेरा फर्स्ट पेपर मैथ्स का है, तो मैं उसकी तैयारी मतलब अच्छी तो हो गई है, अब इंशाल्लाह ताला बेहतर करे तो कल मैं स्कूल से आऊँगा, तो फिर बताऊँगा अगली वीडियो में कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। तो अभी मैं खाना खा लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी तो गाइस मैंने खाना खा लिया, तो बहुत मज़े का बना था सालन मामा ने बनाया था जो, तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़।